महाराष्ट्र में मंदिर खोलने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य की उद्धव सरकार को शराब की दुकान खोलने से आपत्ति नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे मंदिर खोलना नहीं चाहते हैं। सरकार के इस फैसले पर अब राज ठाकरे के पार्टी मनसी ने भी नाराजगी जताई है। राज ठाकरे की पार्टी ने शिवसेना से पूछा है, क्या गठबंधन में शामिल होने के बाद शिवसेना का हिंदुत्व से मोह भंग हो गया है? क्योंकि एक वक्त था जब शिवसेना की छवि हिंदुत्ववादी होती थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के साथ शिवसेना गठबंधन में शामिल हुई, उद्धव ने भगवा तक पहनना छोड़ दिया था। उस दौरान भी उद्धव पर सवाल उठे थे और अब महाराष्ट्र में शिवसेना हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में जुटी है। राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री और भाई उद्धव ठाकरे को इस मसले पर पत्र लिखा है। महाराष्ट्र सरकार के मंदिरों को न खोलने के फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि क्या सरकार हिंदू भावनाओं के प्रति बहरी हो चुकी है। वहीं राज ठाकरे ने सरकार से मंदिरों को खोलने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो लोग सारे प्रतिबंध भूलकर अपने भगवान के दर्शन के लिए मंदिर की ओर मार्च करेंगे। राज्य में अब धार्मिक स्थल खोलने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है कि इससे पहले AIMIM सांसद इम्तियाज जलील और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश जावड़ेकर ने राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए प्रदर्शन शुरू किया है। उधर महाराष्ट्र में विपक्षी दल BJP ने राज्य में धार्मिक स्थल फिर से खोलने की मांग को लेकर पिछले हफ्ते मंदिरों के बाहर प्रदर्शन किया था। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि लोग जानते हैं कि मंदिर खुलने के बाद शारीरिक दूरी का किस तरह पालन किया जाना है, लेकिन शिवसेना ने उल्टे BJP पर ही आरोप लगा दिया था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद भी उद्धव सरकार अभी भी धार्मिक स्थल खोलने के पक्ष में कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोलने को लेकर बड़ा बवाल हो सकता है और उद्धव ठाकरे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।